नमस्कार दोस्तों टीएमआर के इस कुमार में आपका स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर दबाइए इस घंटी को ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आज का टॉपिक है कि साढ़े सात गुने नौ गुने तेरह फीट में सीढ़ी कैसे बनाई ये सवाल किया मनोज फिटकर ने आप इनका स्क्रीन देख सकते हैं जिन्होंने लिखा कि गुने गुने है कि साढ़े सात गुने नौ गुने तेरह फीट में सीढ़ी कैसे बनाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर आ चुके हैं जैसा कि मनोज फिटकर ने सवाल किया था कि साढ़े सात गुने नौ गुने बारह फीट में सीढ़ी कैसे बनाएं तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सीढ़ी बनाने के लिए इन्होंने जो साइट मेंशन किया है बहुत ही कम जगह है इतना कम जगह में सीढ़ी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन फिर भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप तक सही प्लान और सही जानकारी पहुँच सके और आप अपने घर में या साइड पर सीढ़ी बना सकें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने प्लान बनाया है आप ये जो फोटेज देख रहे हैं वीडियो में ये साइड व्यू है जो आप एक तरफ से देखते हैं वो साइड व्यू का जो है हमने ये बनाया है और मैं दूसरा व्यू इसका दिखाता हूँ जो कि फ्रंट व्यू है आ, वो देखिए कुछ इस तरीके से है तो ये देखिए आपका ये जो है वो फ्रंट व्यू हो गया दोस्तों ये आप सामने से जब देखिएगा सीढ़ी को तो ऐसा लगेगा और आप साइड से जब देखिएगा तो आपका सीढ़ी ऐसा लगेगा तो इसका कैलकुलेशन हमने कैसे किया है ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम इसकी साइज़ जान लेते हैं कि इसका साइज़ हमने कैसे कैसे लिया है तो आप देख सकते हैं कि जो नीचे से और ऊपर तक का जो हाइट है वो हमारे पास तेरह फिट है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से और यहाँ तक तो जो लंबाई है वो हमारे पास नौ फिट है आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है और इसका जो सीढ़ी का चौड़ाई होता है जो कि मैंने आपको फ्रंट व्यू में दिखाया ये तो यहाँ से और यहाँ तक जो है वो साढ़े सात फिट है तो यहाँ से यहाँ तेरह फिट और यहाँ से यहाँ तो नौ फिट और चौड़ाई जो है साढ़े सात फीट तो सबसे पहले तो नौ फीट में हमें चौताल भी देना बहुत ज़रूरी है नौ को गुना करेंगे बारह से नौ को गुना करेंगे बारह से तो बराबर आ गया एक सौ आठ एक सौ आठ इंच जो है हमारा ये आ गया तो इसमें चौताल हम इसमें तीन फीट का चौताल दे देते हैं तो इसमें से हम माइनस करते हैं छत्तीस इंच चौताल के लिए छत्तीस इंच माइनस करने के बाद जो है हमारे पास जो बचेगा जगह वो बहत्तर इंच यानी बारछक बहत्तर यानी छः फीट यहाँ से यहाँ टोटल हमारे पास यहाँ से और यहाँ अगर आप मेन डोर से अगर इसको सीढ़ी को बना रहे हैं तो आपका ये दीवार होगा ये अगर मेन डोर के पास अगर यह सीढ़ी बना रहे हैं तो आपका ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये आपका वाल हो गया यहाँ तक ये यहाँ से ऊपर जो है ये बैंड के ऊपर जो है चुनाई हो गया और यहाँ से आपका मेन एंट्री रहेगा इस वाल का कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप डाइनिंग हॉल या किसी रूम या कैस कहीं ऐसे जगह से चढ़ा रहे हैं जहाँ जगह खाली है या फालतू जगह अगर वहाँ से आप चढ़ा रहे हैं तो इस वाल को आपको देना नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ ये वाल होना चाहिए ये वाल रहेगा यहाँ से सीढ़ी का जो लैंडिंग आएगा वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद जो है इसका जो है स्टेयर्स स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जो है आप यहाँ से और यहाँ जाके आपका ये जो छत हो गया यहीं तक आपका जो है यहाँ तक यहाँ तक आपका सीढ़ी का पोर्शन है यहाँ से यहाँ नौ फिट है यहाँ के बाद जो इधर बचा हुआ है वो आपका छत है तो यहाँ से यहाँ छत में जाके कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास बचता है छः फीट यानी बहत्तर इंच तो बहत्तर इंच को भागा करेंगे कितने में तो मैं आपको एक बार इसका स्टेप गिनवा देना चाहता हूँ तो आपको मैं गिनवाता हूँ देखिए स्टेप कितने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये चौताल वाला लेके आठ यानी कि एक लैंडिंग में हमारे पास आठ आठ स्टेप हैं और दूसरे में भी आप देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चौताल वाला लेकर यानी कि आपका जो छत है टॉप फ्लोर उसको लेकर के आठ स्टेप आते हैं तो ये आठ स्टेप और हो गए तो अब अगर इसको प्लस करते हैं तो ये हो गए हमारे पास टोटल सोलह स्टेप तो अब हम लोग राइजर देखते हैं तो राइजर को भी मैं एक बार गिनवा देना चाहता हूँ आपको कि टोटल राइजर इसमें कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह राइजर्स हो गए तो आपका सोलह स्टेप और सोलह राइजर में आपको इस स्टेप को तो इसमें हमारे सोलह स्टेप और सोलह राइजर्स हो गए अब हम एक लैंडिंग में कितना था आठ स्टेप क्लियर है और दूसरे स्टेप में भी दूसरे लैंडिंग में भी आपका आठ स्टेप हमको बहत्तर इंच में डिवाइड करना है आठ है। अगर बहत्तर को आठ में अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नौ इंची यानी कि आपका जो भी स्टेप है यहाँ से यहाँ तक वो नौ इंची है फिर वैसे ही है कि अगर बहत्तर को डिवाइड करेंगे आठ से तो हमारे पास आएगा नौ इंची यानी कि नीचे से आपका ऊपर तक जो है वो नौ इंची का स्टेप चढ़ाया हुआ है अगर चौताल की सेंटर लाइन की बात करें चौताल का जो जो चौताल है वो सेंटर लाइन पर है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि तो ये आपका सेंटर लाइन हो गया तो यहाँ से और यहाँ तक की हाइट कितना है तो हमारे पास है टोटल तेरह फीट तो तेरह को अगर गुना करेंगे बारह से तो हमारे पास आ जाएगा एक सौ छप्पन इंची अगर एक सौ छप्पन इंची को डिवाइड करते हैं दो से अठत्तर इंची तो अठहत्तर इंच में हमने आठ स्टेप चढ़ाए हैं जिसका आठ स्टेप चढ़ाए हैं जिसका आठ राइजर है तो अठहत्तर में हमको आठ डिवाइड करना है तो अठहत्तर को अगर आठ से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ गया नौ पॉइंट पचहत्तर यानी राइजर जो है इसका पौने दस इंच का आ जाएगा मैं जानता हूं कि आप लोग ये सुन के मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा कि दस इंच का राइजर नहीं होता है तो ये चीज़ को मैं भी मानता हूं कि दस इंच का नहीं होना चाहिए जब भी राइजर हो तो छः से सात साढ़े सात हार्डली जा सकता है नहीं तो छः इंच बहुत ही होता है राइजर के लिए तो नौ पॉइंट पचहत्तर ये हो गया आपका तो आप देख सकते हैं कि पौने दस इंच का राइजर और नौ इंच का स्टेप जो है आपका आएगा वैसे ही इधर है पौने दस इंच का राइजर और नौ इंच का स्टेप आएगा आपका जो है राइजर बहुत ही ज़्यादा हाइट में बनेगा तो मैंने इस वीडियो में आपको दो तरीके से समझाए हैं पहला तो आपका ये हो गया जो कि आपका पौने दस इंच का राइजर है आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है और आपके पास जगह ही इतना है तो क्या कीजिएगा आप बना सकते हैं लेकिन दूसरा तरीका एक और है मैं उसको भी आपको बताता हूँ तो अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपका जो सीढ़ी है वही सीढ़ी है ये भी लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं आपका जो राइजर पौने दस इंच का आ रहा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं क्या ऐसा कीजिएगा कि आपका राइजर जो है वो राइजर की मोटाई वो कम हो जाए तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा आपको जो चौताल है वो चौताल को चौताल नहीं रहने देना है वहाँ पर आप क्रॉस राइजर और स्टेप दे दीजिए तभी आपका जो है ये राइजर कम हो सकता है तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ तो सबसे पहले जैसे कि आपका ये सीढ़ी हो गया आप बनाएंगे तो ये सीढ़ी कुछ इस तरीके से वही सीढ़ी है ये ये फ्रंट व्यू है वो साइड व्यू है और मैंने उस सीढ़ी के बारे में एक चीज नहीं बताया कि जो उसका चौड़ाई है वो सीढ़ी का यहाँ से यहाँ तक वो तीन फीट का रहेगा तीन फीट और तीन फीट छः फीट बीच में जो गैप है वो डेढ़ फीट का बच जाएगा तो आप बीच में गैप दे सकते हैं डेढ़ फीट का और नहीं तो आप साइड में भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा बीच में इसलिए कि दोनों तरफ वाल रहेगा तो इधर से भी सीढ़ी का जो लैंडिंग है इस वाल में कनेक्ट हो जाएगा और इधर से जो चौताल एरिया चौताल है वो भी वाल में कनेक्ट हो जाएगा और इधर वाला जो लैंडिंग है वो भी वाल में कनेक्ट हो जाएगा और इसको अगर आप एक साइड यहीं पर दे देते हैं इधर जो साइड में डेढ़ फीट बचेगा तो आप फिर इस सीढ़ी को कनेक्ट कहाँ कीजिएगा ये सीढ़ी फिर डायरेक्ट आपका छत का जो वाल बीम रहेगा उसमें जाके इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वैसे भी उसी में कनेक्ट होगा लेकिन इसमें कनेक्ट होने से आपको बहुत ही ज़्यादा सीढ़ी का जो है सपोर्ट मिलेगा आपको वाल बीम में भी कनेक्ट हो जाएगा और वाल में भी कनेक्ट हो जाएगा तो अब इसका बात करते हैं कि राइज़र कम करने का तरीका तो राइज़र आप इस तरीके से कम करते हैं कि जैसे कि चौताल आपका जो है वो साढ़े सात फिट का था तो ये जैसे कि आपका सीढ़ी है तो इसमें आप क्रॉस राइजर और स्टेप दे दीजिएगा तो ये आपका कम हो सकता है तो क्रॉस राइजर और स्टेप हमको कितना देना पड़ेगा सीढ़ी का राइजर वो कम हो सकता है तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तेरह फीट की हाइट में कम से कम छब्बीस स्टेप होने चाहिए अगर छब्बीस स्टेप नहीं हो सकता है तो कम से कम चौबीस तेईस बाईस कम से कम तेईस बाईस तक आपका अगर स्टेप रहता है तो तो भी आपका बहुत राइजर का हाइट जो है वो कम हो सकता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने राइजर हम बढ़ाने वाले हैं या कितने स्टेप इसमें बढ़ेंगे कि जो कि हमारा राइजर का हाइट कम हो जाएगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो चौताल का तीन फीट था यहाँ से यहाँ तीन फीट है तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए यानी अट्ठारह दुना छत्तीस पर तो हमने जैसे कि दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया और इधर से भी आप जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए यहां साढ़े सात फिट था तो तो हमने इसको भी डिवाइड कर दिया है और वैसे ही इधर भी है कि आप डिवाइड कर दीजिए और इधर भी आप डिवाइड कर दीजिए जब आप सीढ़ी बनाएंगे तो आपको यह पहले से ध्यान में रखना होगा कि हमें ऐसा सीढ़ी बनाना है ऐसा नहीं कि बनाने चौताल सीढ़ी बनाने के बाद आप क्रॉस राइजर और रस दे सकते हैं ऐसा कभी नहीं होगा बहुत ही दिक्कत हो होगा ही नहीं तो आप पहले ही अपना जो मैं प्लान बता रहा हूँ या आप कहीं भी सीढ़ी बनाएं तो पहले अपना प्लान कंप्लीट तैयार कर लें उसके बाद सीढ़ी में हाथ लगाएं या सीढ़ी बनाएं ताकि ये नहीं कि बाद में आप उसमें फंस जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो जैसा कि अब हम इसको बढ़ाते हैं स्टेप हमने जो ये सेंटर में मार्क कर रखा था टिक तो अब इसको हम जो है स्टेप बना लेते हैं अब हमने इस पर स्टेप जो है चौतार की जगह पर दे दिए हैं और हम गिनते हैं कि अब इसमें टोटल राइजर और स्टेप कितने हैं जैसा कि मैंने पिछले वाले में सोलह स्टेप सोलह राइजर बताए थे और इसमें अब गिनते हैं कि कितने स्टेप कितने राइजर हैं सीढ़ी दोनों सेम ही है ये फ्रंट व्यू है वो साइड व्यू था तो अब गिनते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और ये छत लेकर चौबीस तो हमारे पास चौबीस स्टेप आ गए ये छत वाला हिस्सा भी है ये ये यहाँ के बाद जो है आपका यहाँ के बाद यहाँ के बाद आपका इधर छत रहेगा लेकिन आपका जो ये है ये आपका सीढ़ी में एरिया कैलकुलेट होगा तो हमारे पास टोटल चौबीस स्टेप चौबीस स्टेप हो गए अब इसका राइजर गिन लेते हैं तो राइजर हमारे पास कितने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस हमारे पास चौबीस राइजर भी हैं तो अब हमारे पास टोटल आप देख सकते हैं कि चौबीस स्टेप और चौबीस राइजर हो गए हैं अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि अब हमारे पास राइजर का जो है हाइट है वो कुछ कम हुआ या नहीं हुआ तो चौबीस को डिवाइड करते हैं कितने में एक सौ छप्पन में तो एक सौ छप्पन डिवाइड चौबीस तो ये आपका आ गया साढ़े छः इंच छः पॉइंट फाइव अभी जाके ये सीढ़ी का जो है वो राइजर बिल्कुल परफेक्ट आप कह सकते हैं साढ़े छः इंच कोई खास नहीं है जहाँ की पौने दस इंच आ रहा था वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि साढ़े छः इंच आ गया तो हमारे पास जो है चौबीस में एक सौ छप्पन में भागा किया चौबीस तो हमारे पास साढ़े छः इंची का तो राइजर आ गया और स्टेप की बात करें तो स्टेप हमारा उतना ही रहेगा जैसे कि यहाँ से यहाँ नौ फीट था नौ फीट में तीन फीट माइनस हो गया छः फीट बचा छः फीट को अगर बारह से कैलकुलेट करेंगे बारह से अगर गुना करेंगे तो हमारे पास बहत्तर इंच आया बहत्तर इंच में हमने आठ स्टेप दिए हैं यहाँ से आप गिन सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ नवा बहत्तर यानी नौ इंची का स्टेप यहाँ से यहाँ तक है वैसे ही ये भी है आठ नवा बहत्तर नौ इंची का स्टेप ये भी है अब बात करते हैं क्रॉस राइजर और स्टेप की तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तीन फीट का था हमने डिवाइड किया दो में यानी कि अट्ठारह इंच पर जो कि दोनों का सेंटर लाइन होता है यहाँ से भी वैसे ही है सेंटर में तो यहाँ से यहाँ तो खैर ज़्यादा है मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ साढ़े सात फीट था तो साढ़े सात फिट का आधा हुआ कितना यानी बार छक बहत्तर और छः अठहत्तर अठहत्तर को अगर दो में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उनचालीस इंची यहाँ से यहाँ उनचालीस इंच है अब उनचालीस को दो में डिवाइड करते हैं तो उनचालीस को अगर दो में डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा साढ़े उन्नीस तो यहां से यहाँ साढ़े उन्नीस इंची पर जो राइजर है और वैसे यहाँ साढ़े उन्नीस इंची पर है और इधर से भी है ये अट्ठारह इंची पर ये चौताल का आखिरी लाइन है और यहाँ से अब जो है आपका स्टे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ यहाँ से आठ स्टेप और यहाँ से आठ स्टेप आठ दो न सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो कुछ इसी तरीके से था आप बनवा सकते हैं वो भी प्लान देख सकते हैं ये भी प्लान देख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा था मैं मानता हूँ तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया अगर काफ़ी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों एवं इस फील्ड में काम करने वाले सभी कारीगर के साथ और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन रोजाना मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार